नमस्कार। शब्दों की खेती से आज प्रस्तुत है हिंदी गद्य की ग्यारी का नया प्रसून कहानी का। कथा साहित्य में ग्राम्य समाज की झांकियों का अभाव नहीं है, पर अंचल विशेष के रहन सहन असन वसन के अतिरिक्त कतिपय भाषिक तत्व इस बात का आभास कराते हैं कि कथा साहित्य के पात्रों के परिवेश में उनकी आंचलिक संस्कृति भी झलकती। वस्तुतः अलग अलग कालों में देश के विभिन्न अंचलों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से वहां का वातावरण भी प्रभावित हुआ, जिसका परिचय कथा साहित्य के पात्रों के परिवेश व्यवहार एवं संवाद के माध्यम से अनायास ही मिलता। प्रवृत्तिगत परिवर्तन के आधार पर यद्यपि अलग अलग विद्वानों द्वारा अद्यावधि हिंदी कथा साहित्य को अनेक युगों चरणों या वादों में विभाजित किया जाता रहा है, तथापि उसमें आंचलिक संस्कृति की एक अनवरत अंतर्धारा युगीन प्रभाव सहित आद्योपांत प्रतिष्ठित। सामाजिक या राजनीतिक ढांचे में बदलाव के समानांतर हिंदी कथा साहित्य भी उपर्युक्त अंतर्धारा में समाहित इस सांस्कृतिक परिवर्तन के क्रमशः एवं विधिवत अनुशीलन का कार्य होना बाकी है। आमतौर पर साहित्य के दो रूप दिखाई देते हैं, पद्य एवं गद्य। इन रूपों के अंतर्गत भी आकार प्रकार के आधार पर अनेक भेद किए जाते हैं। गद्य की विधाओं में नाट्य साहित्य, स्मारक साहित्य और कथा साहित्य जैसा वर्गीकरण उपलब्ध होता है। कथा साहित्य में मुख्यतः इन विधाओं की गणना की जाती है, उपन्यास, लघु कथा और कहानी। कहानी का शिल्प किसी फिल्मी गीत की धुन की तरह नहीं होता, जिसके सांचे में गीतकार वांछित कथ्य समायोजित करता है। वो तो कहानी के कथ्य के अनुरूप स्वतः पल्लवित होता है। जैसे किसी पदार्थ पर मूर्तिकार की कल्पना साकार होती है, कहानीकार का संप्रेषण जितना सहज होता है कहानी उतनी ही अच्छी बनती है। कहानी जितनी अच्छी बनती है कहानीकार भी उतना ही अच्छा बन जाता है। अच्छे कहानीकार प्रेमचंद से पहले की कहानियों को प्रायः बहुत गंभीरता से नहीं आंका जाता, पर उनमें भी भारतीय जीवन मूल्यों की गरिमा का अभाव नहीं है। भाषा शैली की दृष्टि से यदि उनमें अपेक्षित प्रौढ़ता नजर नहीं आती, तो इसका कारण यह है कि उन दिनों हिंदी कहानी के साथ साथ हिंदी भाषा भी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रही थी। अलविदा मित्रों, कृपया चैनल सब्सक्राइब करके पुराने और नए वीडियोस का आनंद जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।